डिग्री के लिए परसू नहीं किया हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी उतनी अच्छी हमारे टाइम पे, वो भी नहीं देता था उस टाइम में, एक दो वैकेंसी छूट जाती थी, जॉब करता था पढ़ता था माइंस में ही, उस पर बहुत से क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ, और कुछ ऊपर से पढ़ ले रहे थे ऐप ऐप में, ट्रेन में तो ऐप में पढ़ ले रहे। डब्ल्यू सी एल ने अपने जो लेवल उसका 2 साल से था, 2 एग्जाम से थोड़ा चेंज किया था अपने आप को, कुछ मैंने लिटरली कहा था माइनिंग ज्ञान से वो किया था, कुछ लूसेंट की बुक है जीके की वो रिफर करता था कभी कभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग ज्ञान, दिस इज मेलिसा, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है सुमित कुमार झा, जिन्होंने डब्ल्यू सी एल एम एस एग्जाम में 3rd rank सिक्योर किया है। और आज के सेशन में हम सुमित के स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन जर्नी के बारे में चर्चा करेंगे, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमित, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू मैडम। या तो सुमित, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, आई मीन टू से मैडम, 15 में पास आउट किया हूं डिप्लोमा, 15 पास आउट हूं। ओके। 18 में ओवरमैन आया था, 6 साल से अटेम्प्ट दे रहा हूं, 2018 से फाइनली जाके मिला। ओके। चंद्रपुर से पढ़ा हूं, बजाज पॉलिटेक्निक से। जी जी। सो आपका बिलोंग कहां से करते हैं, मींस आपका होम टाउन, और कैसे आपकी क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? जी, होम टाउन भी बलारपुर है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। एजुकेशन वही का तो डिप्लोमा किया हूँ, उससे ज्यादा नहीं, अभी डिग्री के लिए परसों नहीं किया हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी उतनी अच्छी। जी। पापा एक नॉर्मली गैस एजेंसी में काम करते हैं। ओके। ब्रदर भी माइनिंग किया है, तो वो भी प्राइवेट में जॉब कर रहा है। ओके। बड़ा भाई है। So, आपने डिप्लोमा के बाद तुरंत ही ये एग्जाम दिया, या आपने कुछ और भी सर्टिफिकेशन कोर्स किया, लाइक पीजीपीटी जो आपका ट्रेनिंग होता है? मैडम, डिप्लोमा के बाद पीडीपीडी किया हूँ 1 साल, फिर 1 साल जीटी सर्टिफिकेट के लिए लग गया, 1 साल ओवरमैन के लिए लग गया, एज क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा था उसमें। तो 2018 8 दिसंबर पहला डब्ल्यूसीएल का एग्जाम दिया था, जिसमें बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था। जी जी। होप नहीं, एज थी घर वाले का था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ट्राई करते रहने के लिए, तो ट्राई करते रहे, ये लास्ट होप था, घर वाले को क्लियर था कि इसमें नहीं हुआ तो बंद, अब ज्यादा नहीं करना है, डू और डाई स्टेज था बेसिकली। हाँ, फाइनल फाइनल। ओके ओके। सो देखिए, आपने किया डिप्लोमा के बाद अपने अपना ट्रेनिंग किया, सो उसके बाद अपने अपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, राइट? लाइक डब्ल्यूसीएल के अलावा आपने और भी कोई सा एग्जाम दिया था? WCL, फिर NCCL, फिर NCL, फिर NCL, फिर CCL, फिर NCL, फिर WCL, फिर ECL। ओके, सीरीज कंटिन्यू थी? कंटिन्यू थी, मतलब एग्जाम और मेरा एकदम क्लोज रिलेशन है। जी। ओके। सो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताइए कि कैसे जो ऑलरेडी जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, जो ये एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? मैडम, एक तो आज के डेट में गैस एजेंट सर्टिफिकेट का एग्जाम हटा दिया, तो उनको सिर्फ क्लास ही करना है 11 दिन का, फिर रहता है फर्स्ट एड। ये मेनली है कि आप जो डिप्लोमा पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, इनको अभी अगर बेस क्लियर कर लेंगे तो आगे जाके फायदा रहेगा उस चीज का, क्योंकि हम लोग अपना बेस क्लियर नहीं किए थे तो बाद में पछता रहे थे थोड़ा। जी। पढ़ते नहीं थे तो उसका, अब सर्टिफिकेशन एक बार हो जाता है तो फिर आप ऑटोमेटिक एलिजिबल, आज के डेट में तो प्रोविजनल जीटी प्रोविजनल ओवरमैन भी दे देता है, हमारे टाइम पे वो भी नहीं देता था, उस टाइम में 1-2 वैकेंसी छूट जाती थी। तो आज के डेट में आसान है, बस वही है कि अपना नॉलेज क्लियर रहना चाहिए, बेस क्लियर रहना चाहिए, बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो लक भी चाहिए वहां पे। तो यही है, बाकी माइनिंग डीप है, हार्ड नहीं है, बस डीप बहुत है। जी बिल्कुल। तो आपने कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मींस क्या आपने रिसोर्सेज स्टडी किए? मैडम, जब स्टार्टिंग में करते हैं तो सिर्फ रेगुलेशन रूल एक्ट वॉल्यूम 1, 2, 3, लेकिन ये सब क्या है कि रेगुलेशन तो अपडेटेड है बट रूल और एक्ट अपडेट नहीं होते हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3 अपडेट नहीं हो रहा है, माइनिंग डाइजेस्ट भी अपडेट नहीं हो रहा है,
तो बहुत से बेस क्लियर नहीं रहते थे, हमको लगता कि एग्जाम में ये क्लियर है लेकिन रिजल्ट में तो रॉन्ग दिखता था, तो बाद में पता चलता था कि सर्कुलर भी आता है एक सा कुछ, फिर सर्कुलर चेक करने लगे, फिर भी बहुत से चीज क्लियर नहीं रहते थे, फिर बड़े भाई है तो वो भी कुछ गाइड किए, फिर एक दिन ऐसी पापा फोर्स किए कि यूट्यूब पे देखता हूँ माइनिंग ज्ञान का, तो उसका ले जबरदस्ती वो वाला पापा 1600 रुपए लग जाएंगे फालतू के, होना जाना है नहीं मेरा, तो बोले नहीं नहीं एक बार रिस्क ले, तो फिर एक साल से इस पे जॉब करता था, पढ़ता था माइंस में, तो उस पे बहुत से क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ, फिर दोस्त लोग जो जॉब करते वो बताते थे, तो है सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें, मतलब वाइड रखा आपने अपना प्रिपरेशन जो है। हाँ मैडम अगर आप कोई जॉब का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप उसमें ये नहीं कर सकते कि अपना ईगो बीच में लाके कि कोई मेरे से जूनियर है तो मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं बता सकता है, वो भी बता सकता है कुछ ना कुछ, तो आप जितना सबसे खुल के डिस्कस करोगे, मेरे शिफ्ट इंचार्ज यहाँ पे, तो उन्होंने तो ओपन कास्ट ही क्लियर कर दिया था मेरे को ये 9 महीने में, तो ओपन कास्ट का क्वेश्चन आसानी से होता है आज के डेट में मेरे से, तो वो सब चीज है, तो जितना आप खुल के रहोगे सबसे डिस्कस करोगे उतना नॉलेज मिलेगा, जितना आप एकदम नहीं मेरा ईगो है बीच में तो फिर तो मुश्किल है। जी जी, तो आपने नोट्स भी बनाए या सब आपने जो आपने कोचिंग ज्वाइन किया तो वही के ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही? हाँ बस वही कुछ, जैसे सीएमआर का नंबर याद करना रहा इंपॉर्टेंट तो ये सब लिखना, बाकी कोई ऐसा नोट्स नहीं है, सिर्फ बुक है वही बुक से रिफर करता हूँ, जा जॉब में तो ड्यूटी जाते हैं तो बुक तो नहीं लेके जा सकते हैं, तो माइनिंग ज्ञान ऐप में ऑफलाइन डाउनलोड कर लेता था, बस वही वहां से देखते रहो, काम भी कर रहे ये भी पढ़ते रहो, मैनेजर सपोर्टिव थे कि भाई पढ़ते भी रहो, तो पढ़ते भी थे चुपचाप। जी बिल्कुल, सो जैसा कि आपने कहा आप ऑलरेडी वर्किंग थे राइट, आप जॉब कर रहे थे, तो ये थोड़ा हैक्टिक हो जाता है जॉब मैनेज करना और स्टडी मैनेज करना, तो आपने कैसे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट किया? यहाँ पे एक तो जब प्रिपरेशन करना है तो मेनली मैंने जो पूरा मैनेजमेंट किया था टाइम का वो एनसीएल एग्जाम के लिए था, जहाँ 4 मार्क्स 5 मार्क्स से रह गया, तो उसके बाद से डब्ल्यूसीएल में ऐसा होप नहीं था, बस हाँ था प्रिपरेशन था पहले से, और कुछ ऊपर से पढ़ ले रहे थे ऐप में, ट्रेन में है तो ऐप में पढ़ ले रहे, ये सब चीज़ के था, बाकी उतना कुछ है नहीं, मेरा मेन टाइम मैनेजमेंट था मैंने एनसीएल में किया था कि ड्यूटी करके इसको कैसे पढ़ना है, उसमें नहीं हुआ, इसमें होप नहीं थी तो इसमें लक था, तो क्वेश्चन पेपर ये मेरे हिसाब से बैठ गया तो जम गया पूरा। जी ओके, सो क्या पैटर्न था एग्जाम का, मींस किस कैसे स्टेजेस में एग्जाम होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस अपीयर हुए? मैडम अगर वो डिपेंड करता है सब्सिडी के ऊपर, कुछ सब्सिडी जीके आपके डिप्लोमा लेवल से अलग लेवल पे जाती है, वो पीसीएस लेवल पे जीके पूछ देंगे तो बच्चों तो वैसे ना, डब्ल्यूसीएल उन्होंने इज्जत रख लिया डिप्लोमा बच्चों का कि उनके हिसाब से पूछ लिए, तो आप वो जीके भी कोई उतना टफ भी नहीं था, तो उतना इजी भी नहीं था, मीडियम रखा था उसने, और कुछ क्वेश्चन तो बेसिक थे, तो वो अगर आप जनरल कोविड के बारे में अगर आप ये नहीं बता सकते कि कोवैक्सीन की इंडिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन, तो फिर सोचना पड़ेगा, कोविड इतना बड़ा वो था हमारे लिए, तो कुछ बेसिक थे, बाकी जो टेक्निकल था, हाँ टेक्निकल इस बार डब्ल्यूसीएल ने अपने जो लेवल उसका 2 साल से था 2 एग्जाम से थोड़ा चेंज किया था अपने आप को, और वही मेरे लिए इजी पड़ गया क्योंकि मैं सेंटेंस पढ़ता था ये नंबरिंग याद नहीं करता था, तो इस बार नंबरिंग देख गया था, मेरे को सेंटेंस फिलअप करना था, तो वो आसान पड़ गया थोड़ा मेरे एग्जाम देने में। ओके, सो बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट बेसिक्स अच्छे से प्रिपेयर करे सो क्वालिफाई करने में एबल होगा इस एग्जाम को ना? हाँ बेसिक और अप टू डेट रहे, एक्चुअली माइनिंग में ऐसा है कि आपको 2-3 महीने में कुछ ना कुछ नया सर्कुलर आ जाता है, उस चीज से अप टू डेट रहना है बस, नहीं तो बाकी तो पढ़ने वाले आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ेंगे वही आपको पूरा पढ़ना है लाइफ टाइम, तो उसमें वो नहीं है, तो बेसिक एकदम क्लियर रहना चाहिए, आप किसी बच्चे को यही नहीं पता कि सीएमआर 204 किसके लिए स्टैंड होता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जी तो आपने करंट से जो करंट की चीजें है उससे जुड़े रहने के लिए आपने कोई पर्टिकुलर कुछ वेबसाइट फॉलो किया या आपको कहां से अपडेट्स मिल पाए? मैडम रहा सवाल इस एग्जाम का, तो इसके कुछ मैंने कोई ऐसा प्रमोशन के लिए नहीं है, कुछ मैंने लिटरली कहा था माइनिंग ज्ञान से वो किया था, कुछ लूसेंट की बुक है जीके की वो रिफर करता था कभी कभी, उसके पीडीएफ डाउनलोड करके रखता था, बाकी कुछ लग भी था तो तुक्के बैठ गए इस बार,
6 साल से नहीं बैठ रहे, 10 साल बैठ गए। लक फैक्टर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, रहता है मैडम, 80-20 रेशो है। मैं तो हमेशा से माना हूँ, जो फर्स्ट टाइम में क्लियर होगा वो कभी नहीं बताएंगे इस चीज को, उसके लिए रहता है कि मेहनत, लेकिन जो फेल होगा वही क्लियर कर सकता है कि लक कितना इम्पोर्टेंट है। मैं कोई एक मार्क्स से रह गया होगा, कोई 2 मार्क्स से रह जाता, कोई 3 मार्क्स से रह जाता, तो लक इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपने कहा एनसीएल में आपके कुछ मार्क्स से रह गए थे, है ना? 5 मार्क्स, 79 क्लोज किया है, 74 आए थे। जी जी जी। तो देखिए आप, बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि अगर किसी का WCL और NCL दोनों में साइमल्टेनियस सिलेक्शन हो गया तो कौन सा प्रेफर करे। सो अगर आपका हो जाता है NCL में भी एंड WCL भी इन हैंड होता है, तो आप क्या प्रेफर करते और क्यों? पर्सनली मैं कहा था WCL प्रेफर करता, कारण है फैमिली, वो फैमिली वहीं पे रहती है तो। लेकिन आपको अगर एक प्रॉफिट सब्सिडी में रहना है तो NCL बेस्ट है, क्योंकि ओपन कास्ट है तो ज्यादा वर्क का उतना टेंशन नहीं रहेगा वहाँ पे। WCL में मिक्स चलते हैं, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों चलते हैं तो थोड़ा रहता। मेरा खुद का रहेगा तो मैं NCL ज्वाइन करूंगा, लेकिन फैमिली को लेकर मैं कहा था WCL ज्वाइन करूंगा। सबकी ज्वाइनिंग हो गई है राइट? नहीं, अभी ज्वाइनिंग लेटर आया, एक्चुअली आज ही मेरा लास्ट डेट था, यहाँ से रिजाइन मारा हूँ, अभी निकलूंगा कल यहाँ से। okay. ट्यूजडे को ज्वाइन करूंगा। ओके, सो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि कैसा आप जो आपका जिस अकॉर्डिंग आपका पोस्ट है तो आपकी क्या वर्किंग रहेगी वहाँ पर, जहाँ तक आपको नॉलेज हो थोड़ा ब्रीफ कर पाए तो। मैडम एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आएंगे, ओवरमैन के अंडर में, ओवरमैन ही हमारे सीनियर रहते हैं, ओवरमैन फिर शिफ्ट इंचार्ज आपके अंडर में। अब आपको अंडरग्राउंड जा रहे हैं, ओपन कास्ट जा रहे हैं, तो आपके अंडर में 15-20 लेबर रहेंगे। माइंस में उतरने से पहले मेरे HOD ने बोला था एक चीज याद रखने का, कभी माइंस जाओगे तो आपके नीचे कुछ 50-100 लेबर काम करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि उनको कुछ हुआ तो आपके ऊपर है। तो उस चीज को रख के कि बाकी जो आपके नॉलेज है उस हिसाब से काम आपको डिस्ट्रिक्ट ब्लास्टिंग करना है। आप डिपेंड करता है माइंस के ऊपर वो किस पोस्ट पे आपको देना चाहता है, सरदार दे रहा है या शॉर्ट फायर दे रहा है। शॉर्ट फायर देंगे तो ब्लास्टिंग का पता रहना चाहिए, सरदार देंगे तो सुपरवाइजर का पता रहना चाहिए सब कुछ। ये से भी कोई उतना मेरे दोस्तों करते पूछना उतना हार्ड को नहीं है, बस है जॉब जॉब है। जी बिल्कुल। सो जॉब तो है ही, बट साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। कॉन्फिडेंस सही है तो एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन हैंडल। हाँ, कॉन्फिडेंस चाहिए, और आपको एक रहता है कि आपको जो लेबर है उनकी, जो वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर एक प्रोफेशनल वर्कर जो काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करो तो आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप एकदम साबी बन के घुस जाएंगे तो वो भी वर्कर ही है, उनकी भी यूनियन है। तो एक रिस्पेक्ट माइनिंग में है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, वही मिलेगा, नहीं तो कोई आपको रिस्पेक्ट देगा नहीं। तो जितना वो है उतना कॉन्फिडेंस रखो। हाँ, जहाँ गलत है वहां तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो किसी की जान चले जाएंगे उस चक्कर में। बिल्कुल। सो आपने कहा कि आपने सीरीज में एग्जाम आप देते रहे हैं, अब जाके सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर तो आ जाता है कि एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे, थोड़े मार्क्स से रह रहे हैं, तो कैसे ओवरकम किया आपने? आता है मैडम, डिपेंड करता है। कुछ बच्चे का तो न्यूज में ही आ जाता है कि वो डिमोटिवेट होकर क्या कर लेते हैं। लकीली मेरी फैमिली और फ्रेंड ऐसे थे, अरे तू तो पढ़ने वाला है, कभी ना कभी तो होगा। मेरे पापा बोलते समय से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलेगा, कोशिश करो, बस हो गया। अब 2018 से मैडम ट्राई कर रहा था, 22 में आके मेरे को अक्टूबर में प्राइवेट नौकरी मिलती है, तो वहां लगा हाँ आप किस्मत में है, कुछ तो है। फिर यहाँ जॉब कर रहा हूँ राजस्थान में, फिर तो लगा है। फैमिली का मेनली रहता है कि आपको फैमिली और फ्रेंड का सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, फैमिली भी अगर उसमें बोलने लगी तो हो गया, तो फिर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में रहते अपन। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एग्री जी। सो जैसे कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं या जिनका कंप्लीट हो चुके हैं और इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अप्रोच होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैडम लास्ट 3-4 एग्जाम से जो पैटर्न दिख रहा है तो उसमें है कि वो ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस ना जाके वो CMR को डिप पकड़ रहा है, क्योंकि एक्ट रूल से क्वेश्चन आ नहीं रहे। तो CMR जितना तोते की तरह रट सकते हैं, रट ले एक एक वर्ड फिर तो। अब बाकी रहा जैसे सामने एग्जाम है SCCL का, तो 90 मार्क तो अपने हाथ में है, क्योंकि SCCL और छत्तीसगढ़ MP के GK तो अपने को मिल जाते हैं, चाहे ऐप से लो, आप खुद ढूंढ सकते हैं।
कि हमारे नोट्स ये तो अपने आप हाथ में है कि बुक खरीद के पढ़ना है अपने को, बस वो 10 मार्क है, तो 10 मार्क या तो कुछ पता हो जाना चाहिए या फिर लग काम करना चाहिए टाइम पे। मैं अभी भी बोलूंगा 80-20 रेशो है। ओके, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बेसिकली लक फैक्टर से राइट नाउ अभी के सिचुएशन में। मैडम पिछले बार भी 97 आया था डब्ल्यूसीएल में, लिस्ट में नाम नहीं आते, तो लक तो तभी समझना पड़ेगा कि लक गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कुछ जो जीके का पोर्शन है सीएमआर हो सकते हैं, बट कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी होते हैं जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू डील विद, तो उसके लिए क्या अप्रोच आपने रखी थी या क्या अप्रोच होनी चाहिए? मैडम ये तो आप कोई सिलेबस एप्टीट्यूड ये सब दे रहा है तो ये तो आप फॉर मी, मेरे को तो एप्टीट्यूड नहीं जानता, मैं क्लियर उस चीज में, मैं उस चीज में टाइम ना वेस्ट करके अपना टेक्निकल पार्ट टफ करता हूँ, ये टेक्निकल हो जाए तो यहाँ से मार्क यहाँ के कवर कर सकते हैं, तो जिनको जानता है उनके लिए तो बेस्ट है, नहीं तो अभी भी वक्त कोई एग्जाम आ रहा तो एप्टीट्यूड ये रीजनिंग ये सब कहीं ना कहीं से पढ़ ले उस चीज को, चाहे आप ऐप से पढ़ ले माइनिंग ज्ञान से या फिर यूट्यूब से पढ़ ले, जहाँ से जिसको जो सुविधा मिलती है उस चीज से पढ़ ले, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर या तो मेरे जैसे 6-7 एग्जाम दे लग का इंतजार कर रहे। जी तो अब फाइनली तो आपको आपका था पोस्ट तो मिल ही चुका है और सिलेक्शन भी हो गया है, फिर आफ्टर ये इतनी बड़ी जर्नी के बाद तो होता है ना कि एक सक्सेस को आप किसी को डेडिकेट करना अगर चाहे तो आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? कुछ फैमिली 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 मेनली मॉम डैड, स्पेशल यहाँ पे सर लोग जिनके वो काम कर रहा था क्योंकि उनका ही बहुत बड़ा सपोर्ट था कि नहीं होना चाहिए कर सकता है, मॉम डैड तो हमेशा से रहे कि नहीं होगा होगा कभी ना कभी तो होगा, भगवान के देर अंधेर नहीं, सुनते सुनते अरे तो मम्मी ये साल बोल रही ये साल होगा कहाँ हुआ ये साल बोल रही थी फाइनली ये साल हो गया। सो माइनिंग ज्ञान की भी टीम बहुत प्राउड है आपके ऊपर कि फाइनली आपने अचीव कर लिया अपना गोल, एंड आई होप आप फ्यूचर में भी आगे अच्छा करते रहेंगे, सो डेफिनेटली हम अपडेट लेते रहेंगे कि कैसे आपकी वर्किंग चल रही है, एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके, सो थैंक यू सो मच सुमित, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू।